अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनज़्ज़ा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद मुनज़्ज़ा खान। बच्चे हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बच्चे दो लोगों को कंप्लीट करते हैं, उनके रिश्ते को कंप्लीट करते हैं, एक ऐसी कड़ी होते हैं जो दो लोगों को जोड़ के रखती है, तो ये गलत ना होगा। लेकिन जब दो लोग अलग होने का फैसला कर लेते हैं तो उन्हीं बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और क्या सिचुएशंस आती हैं जिसका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनके मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ के ऊपर क्या ऐसे असरात होते हैं या क्या ऐसी गलतियाँ होती हैं जो माँ बाप करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का फ्यूचर बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। इसी बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, या फिर कुछ बातें शेयर करेंगे, कुछ लोगों के जो किस्से हैं या दूसरों की जो स्टोरीज़ हैं वो आपसे थोड़ी बहुत शेयर करेंगे। तो मेरे सफ़र में शामिल होने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं। जब दो कपल्स को ये पता चलता है कि वो माँ बाप बनने वाले हैं तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता। शादी के फौरन बाद से सबको इंतज़ार होता है कि कब हमें अल्लाह ताला इस नेमत से नवाजेंगे। लेकिन जब दो लोग किसी भी वजह से आपसे रिश्ते में खिंचाव की वजह से, झगड़ों की वजह से, किसी और रीजंस की वजह से जब अलग होने का फैसला करते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कई बार हमारे यहाँ देखा गया है कि इतने बड़े स्टेप से पहले जो कपल्स होते हैं उनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो उस दौरान एक दूसरे से वो बात नहीं करते। ज़्यादा जो गलती कर देते हैं वो ये करते हैं कि वो लड़ना शुरू कर देते हैं, और बच्चे ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे थे। वो बच्चों के सामने ही लड़ना शुरू कर देते हैं, इस चीज़ का लिहाज नहीं करते। जहाँ एक तरफ इन सब चीज़ों से, इन सब मामलों से बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा होता है, वहीं अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, समझदार हैं, तो वो इन चीज़ों से बहुत सहम जाते हैं, डर जाते हैं। वो समझते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। जब उन्हें ये पता चलता है कि माँ बाप जो हैं वो साथ नहीं रहना चाहते, तो ये चीज़ भी उन्हें अंदर ही अंदर कहीं तोड़ देती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। वो ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाते कहीं ना कहीं कि उन्हें एक के साथ रहना होगा और एक का साथ उन्हें छोड़ना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन देखी गई हैं जिसमें लड़की अपने घर चल जाती है, ऑब्वियसली जब वो साथ नहीं रहते तो, लेकिन जब वो अपने बेबी को लेके जाती हैं अपने घर, तो उनके माँ बाप, ज़्यादातर ये कोशिश होती है माँ बाप की, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी का सोच रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो बच्चों को ना रखें, वो बच्चों को वापस उनके अब्बू के पास भेज दें और अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा दें। जी बिल्कुल, मैं आज इसी बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि ऐसे सिचुएशंस में कहीं ना कहीं उनके नाना नानी और उनके दादा दादी को ये सोचना चाहिए, बल्कि ख़ुद माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें आपने न जाने कितनी दुआओं से मांगा था अल्लाह ताला से, और आज आप दोनों में से कोई एक भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, या कोई एक एक्सेप्ट करना चाह रहा है, इसका उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनकी शख्सियत पे क्या इसका असर पड़ेगा, कितना हर्ट हो जाएंगे। नेट के ऊपर मैंने फेसबुक वगैरह के ऊपर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें लेडीज़ अपने मसले बताती हैं, शेयर करती हैं, उन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सबके घरों में, रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा किस्सा आज के दौर में मौजूद होता है जिसमें ऐसा देखा गया है कि भाई माँ बाप ने कहा कि आपकी हम दूसरी शादी कराना चाहते हैं, तो आप बच्चों को
दे दीजिए, हम नहीं रखना चाहते। माँ खुद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है इस चीज़ से। ऐसे ही कुछ इससे मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिनका स्टेप जो ये लिया गया था कि भेज दिया जाएगा बच्चों को और हम अपनी बेटी की दूसरी शादी कर देंगे और वो खुशहाल रहेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि माँ जो होती है ना, उसका एक अलग ही कनेक्शन होता है अपने बच्चों से। आप अगर चाहें कि उसके दो तीन बच्चे हो जाएंगे, दूसरी शादी हो जाएगी और वो अपने पहले बच्चों को भूल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। तो कुछ हम ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, किसी ने अपना मसला बयान किया हुआ था, उनका नाम ऑब्वियसली मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके हस्बैंड के साथ मिसबिहेव करते थे और उन्होंने मारा उनको अपनी फैमिली के सामने। उनकी फैमिली में से भी उनकी बहनों ने और उनकी वालदा ने उनकी वाइफ को मारा, तो वो अपने घर चली गई अपने 10 महीने के बच्चे को लेकर। जब वो लेके गई तो वहाँ पे उनके अम्मी अबू ने कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गई, लेकिन तुम इस बच्चे से ज़्यादा अटैच मत हो, उसे खुद से दूर करो और तुम उसे दे दो, क्योंकि हम हमारी दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो माँ बाप थे, जाहिर है वो अपनी बच्ची के लिए यही सोच रहे थे कि अभी शादी जब ख़त्म होने के कगार पे है तो हम इसकी दूसरी शादी कर दें। जब इतनी नौबत आ गई कि एक शादी ख़त्म हो रही है तो हम इसको बिठा के तो नहीं रखेंगे सारी ज़िंदगी, क्योंकि हमारे बाद इसका क्या होगा। वो एज अ पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए ठीक सोच रहे थे, लेकिन ऐसे में गलती ये हो जाती है कि माँ बाप कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि अगर वो अपने बेटी के वालदैन हैं, उनका फ़र्ज़ है, उन्हें आगे जवाब देना है, उसका फ्यूचर सोचना है, तो वो जो उनकी बेटी है ना, वो भी अपने बच्चे की माँ है। अब वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, वो भी अपने बच्चे की माँ है, वो बच्चा उसकी भी जिम्मेदारी है। जितना वो अपनी बेटी को लेके पोजेसिव है और जितना वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं, उतना ही उनकी बेटी अपनी औलाद से प्यार करती है। कहीं ना कहीं ये गलती माँ बाप कर जाते हैं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी बेटी की औलाद भी तो हमारी ही औलाद है? जब अच्छा मैंने एक चीज़ और अपनी सोसाइटी में देखा है कि बेटे की औलाद को तो फिर भी रख लेते हैं, बेटी की औलाद की बारी आती है तो इस सिचुएशन में कहते हैं कि नहीं जी हमारा खून थोड़ी है, इसको तो उसके ददिहाल वालों के पास भेज दो। ये फ़र्क करना छोड़ दें, ये फ़र्क नहीं करना चाहिए। औलाद औलाद होती है, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, और जहाँ बेटी की औलाद और बेटे की औलाद दोनों ही अपनी होती हैं, जहाँ ये फ़र्क नहीं किया जाता, वहाँ पे हालात बहुत डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे रिश्ते बहुत डिफरेंट होते हैं। कई बार जो बच्चे होते हैं वो उन्हें ऐसे बॉर्डर किया जाता है, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है। आप यकीन माने, मैंने एक ऐसी फैमिली को भी मैं जानती हूँ, हमारे रिलेटिव्स में, वहाँ पे उनकी बेटी के बच्चों बच्चे दिए नहीं उन्होंने, उन्होंने खुद रखा, उनके मामों वगैरह ने और नाना नानी ने। और जब वो बड़े हो गए तो यकीन माने रिस्पेक्ट करते थे वो अपने मामों की, और सब एक साथ मिलकर रहते थे, उनके बच्चे उनके मामों के बच्चे, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की एक कहते हैं ना सुपर, अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल, तो वो फैमिली थी। और उनकी शादियाँ भी हुई, सब कुछ हुआ उसी घर में, उनके मामों ने की है उनकी शादी वगैरह, उनकी पढ़ाई वगैरह का सब कुछ, और मतलब बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ साल बाद पता भी नहीं चलता कि भाई ये बेटे के बच्चे हैं, ये बेटी के बच्चे हैं, सारे मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और बच्चों के ऊपर भी कोई बुरा असरात नहीं पड़ते, उनके जहनों के ऊपर भी, उनकी शख्सियत भी ठीक रहती है, जो रिश्तों का लिहाज एहतराम होता है वो बरकरार रहता है। कुछ ऐसे मैंने भी देखे किस्से, जहाँ पे सुने बल्कि जहाँ पे तलाक हो गई
माँ बाप ने एज यूजल बच्चों को नहीं रखा, दे दिया उनके ददिहाल वालों को, बेटी की ज़बरदस्ती दूसरी जगह शादी करवा दी कि भाई और बच्चे हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि अल्लाह ताला ने दोबारा औलाद से नवाजा ही नहीं। ऐसी सिचुएशंस भी देखी गई जहाँ पे इसी सोच के साथ कि बेटी खुश रहेगी और दूसरी शादी कर दी गई, उन बच्चों को नहीं रखा गया, वहाँ पे भी ये चीज़ देखी गई कि कुछ केसेस में एक दो जगह ऐसा हुआ कि उनके बच्चे तो हुए लेकिन खुश नहीं रह सके, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई और मसला हो गया। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा बच्चों के साथ मत किया करें। ये सोच होती है ज़्यादातर ये बड़े होंगे तो अपने बाप के पास चले जाएंगे, ये बाप का खून है, या हम इनको क्यों रखें, हमें तो अपनी बेटी का सोचना है, अगर इनको नहीं दिया तो उसकी दूसरी शादी होगी। देखें अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया। अगर आपकी बेटी की शादी दूसरी लिखी है तो वो इन बच्चों के साथ भी हो जाएगी, क्या पता आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, मेरे खुद जानने वाले ऐसे हैं जिनकी बेटी घर आके बैठी किसी हालात की वजह से अपनी बेटी, अपने बच्ची को लेके, और उन्होंने दिया नहीं उनके बाप को, अपने पास रखा उनकी नानी ने उनकी बच्चियों को, और कुछ टाइम के बाद एक अच्छा रिश्ता आया, एक ऐसा रिश्ता जिन्होंने ना सिर्फ उस लड़की को बीवी के तौर पे एक्सेप्ट किया बल्कि उनकी बच्चियों को भी एक वालिद के तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया, और वो आज भी उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनके सारे अखराजात उठा रहे हैं। बाद में अल्लाह ने उन्हें अपनी औलाद से भी नवाजा, और सब कोई फ़र्क नहीं है, बहन भाइयों में भी सब अच्छे से रह रहे हैं। तो ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं हमारी दुनिया में, तो हम क्यों उस साइड से नहीं सोचते? हम हमेशा नेगेटिव से सोचते हैं कि नहीं जी हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, नहीं ये बच्चे जो है वो बाप के ऊपर चले जाएंगे। देखिए खून होता होगा लेकिन परवरिश भी कोई चीज़ होती है, परवरिश का बहुत असर होता है, गैदरिंग आपके ऊपर बहुत असर डालती है आपकी, ठीक है। अच्छी गैदरिंग हो, अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैंने ऐसी सिचुएशंस भी देखी हैं जिसमें प्रेगनेंसी में घर आके बैठी लड़की तो वैसे ही परेशान कि भाई उसका घर ख़राब हो रहा है ऐसी कंडीशन में, और माँ बाप वो उस चक्कर में होते थे कि भाई हम किसी तरह से अबॉर्शन करवा दें इसका और फिर उसके बाद उसकी शादी कर दी जाए। ये सब हो तो जाता है लेकिन आप यकीन माने लड़कियाँ जो माँ होती है वो इस सिचुएशन से कभी, इस पेन से कभी बाहर नहीं आ पाती, उसके चाहे कितने बच्चे हो जाएं, वो चाहे दुनिया की खुशी आप उसको दे दें, लेकिन यकीन माने वो अपने पास्ट को कभी भूल नहीं पाती, अपने बच्चे को कभी भूल नहीं पाती, वो गिल्ट, वो दर्द, वो तकलीफ, वो उसकी वो कहीं का नहीं छोड़ती। तो प्लीज़ जब आप एज अ पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं तो आप ये भी सोचें कि वो भी अब किसी की माँ है, और अगर कोई अपने बेटे के लिए सोच रहा है कि हम उसकी दूसरी शादी करवा देंगे, हम बच्चों को ना रखें, तो आप ये सोचें कि वो भी अब आपका सिर्फ बेटा नहीं है, वो किसी का बाप भी है। तो इन चीज़ों को बहुत ख्याल रखा करें, और घर ख़राब होने में कहीं ना कहीं जो मैंने आपको पहली कहानी बताई कि उन्होंने उनकी फैमिली ने उन पर हाथ उठा दिया, मियाँ बीवी में 10 बातें होती हैं, कहीं ना कहीं ये गलती हम कर देते हैं कि दूसरों को अपने रिश्ते में इंटरफेयर करने देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करने दिया करें, बहुत गलत होता है। अगर आप किसी की बेटी को अपनी बीवी बना के लाए हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर में उसको इज्जत दिलवाएं। आपके होते हुए कोई कैसे उसको कुछ कह दे, आपके होते हुए कैसे किसी ने उसके ऊपर हाथ उठाया, कैसे उसको किसी ने कुछ कह दिया, आप जो हो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है उसे प्रोटेक्ट करने की, आप उसके लिए समझ लें एक शील्ड हैं, आप उसके लिए एक ढाल होनी चाहिए, आपके होते हुए किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए तो उसको कुछ कह दें। और स्पेशली आप ये सोचें, सही है गुस्सा आता है, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, लेकिन सबके सामने कभी अपनी बीवी को बुरा मत कहें, आपको चाहे कितना गुस्सा आ जाए आप कमरे में ले जाकर उसे 10 बातें सुना दें, ठीक है,
वो फिर भी एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन दूसरों के सामने उसकी रिस्पेक्ट करें जैसे आप अपनी माँ की करते हैं, क्योंकि वो आपकी बीवी ज़रूर है लेकिन आपके बच्चों की माँ है। आज आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं, कल को वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ वही बिहेव करेंगे, क्योंकि वो शुरू से ये सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं, ये उनके माइंड में फीड हो जाता है। तो इस चीज़ को आप देखें, इस बारे में आप सोचें कि वो आपके बच्चों की माँ है, जितनी रिस्पेक्ट आपको अपनी माँ को देनी चाहिए आपको अपने बच्चों की वालदा यानी अपनी बीवी को भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ताकि कल को आपके बच्चे भी उसे रिस्पेक्ट दें। ये सब वो डिज़र्व करती है, वो एक इंसान है, प्लीज़ उसको आप इस तरह लें। और अगर आप इस तरह भी नहीं सोचते तो आप ऐसे सोचें कि क्या आप ऐसे आदमी को अपनी बेटी या शौहर तसव्वुर कर सकते हैं जो सबके सामने से बुरा भला कहे, उसे मारे, या उसके घर वाले उसके सामने आपकी बेटी के साथ बदसलूकी करें, उसे बुरा भला कह दें, उसे मार दें और वो कुछ करना सके? नहीं, कोई बात ये तसव्वुर नहीं कर सकता। तो आज आपसे सिर्फ यही बातें शेयर करनी थी। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।